4 जून यानी कि इलेक्शन के रिजल्ट के साथ साथ नीट यूजी 2024 का भी रिजल्ट आया एंड रिजल्ट आने के बाद से ही देश भर में हल्ला मच गया क्योंकि रिजल्ट में कुछ यूनिक चीज देखने को मिला जो कि नीट यूजी के हिस्ट्री में कभी भी हुआ नहीं है। ऑल इंडिया रैंक 1 मिला है 67 स्टूडेंट्स को एंड उससे भी मजेदार बात यह है कि उन 67 स्टूडेंट में से 6 स्टूडेंट सेम सेंटर से बिलोंग करते हैं एंड वो 6 स्टूडेंट इतना ज्यादा पढ़ाकू है कि जब नीट का फॉर्म फिलअप कर रहे थे तब अपना सरनेम ही डालना भूल गया। 67 AIR 1 वालों के बाद आता है एक कैंडिडेट जिसका मार्क्स बना 718 एंड एक कैंडिडेट जिसका मार्क्स बना 719 जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल सा है क्योंकि नीट में एक क्वेश्चन सही करने को आपको मिलता है +4 एंड अगर एक क्वेश्चन गलत हो जाए तो उसके लिए आपको मिलता है -1। अगर कोई स्टूडेंट ने सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया एंड उसका एक गलत हो जाए तो उसका मार्क्स बनता है 715 एंड अगर कोई स्टूडेंट एक क्वेश्चन स्किप करता है एंड बाकी सारा क्वेश्चन अगर करेक्ट करके आता है तो उसको मिलता है 716। तो 718 719 कोई भी एंगल से मिलना पॉसिबल नहीं है। इसके काउंटर में NTA ने जवाब दिया यह है कि उन्होंने 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्किंग दिया है क्योंकि उन्हें सफिशेंट टाइम नहीं मिला था एग्जाम कम्प्लीट करने के लिए, जबकि इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कोई ग्रेस मार्किंग का रूल एप्लीकेबल ही नहीं होता है। तीसरा, नीट 2024 का रिजल्ट 14 जून को आने वाला था लेकिन उसे 10 दिन पहले शिफ्ट किया गया ताकि इलेक्शन के रिजल्ट के शोर में नीट रिजल्ट का स्कैम पूरा पूरी दब जाए, लेकिन हम लोग इसे दबने नहीं देंगे एंड अगर आप चाहते हो कि जो हार्डवर्किंग नीट एस्पिरेंट्स है उन्हें सीट मिले तो प्लीज़ अपना आवाज़ उठाइए अगेंस्ट नीट 2024 स्कैम।